pues, murió, no vio así. पुरुषोत्तम जी, गोवा जो भी कार्यक्रम यहाँ खड़ा किया जाएगा, यहाँ सफल रूप किया जाएगा, इस विषय पर मैं उल्लेख करना चाहता हूँ कि हमारी तरफ से 50 बेडेड हॉस्पिटल निर्माण किया जाएगा, 10 बेडेड अलग अलग स्थानों पर हॉस्पिटल निर्माण किया जाएगा और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर 100 स्थानों पर निर्माण किया जाएगा और हमारे तरफ से 2 पंचकर्मा स्पेशलिटी सेंटर अलग अलग स्थानों पर निर्माण किया जाएगा। तो कुल मिला के अगले दिनों में आयुष मंत्रालय की तरफ से हमारी जो गोवा प्रदेश में बसे हुए, प्रकृति में बसे हुए जो संपदा, चबामन और शक्ति को उजागर करने में और उनको बढ़ावा देने के लिए अगले दिनों में हमारे मंत्रालय की तरफ से ये कदम उठाया जाएगा और मेरा ये मानना है कि गोवा का जनता बहुत मेहनती है और गोवा का जनता के पास जो शक्ति बसा हुआ है, निश्चित रूप से अगले दिनों में हमारी तरफ से और अलग अलग भारत सरकार की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश के मुताबिक जो अलग अलग मंत्रालय की तरफ से यहाँ कदम उठाया गया है, निश्चित रूप से समय पे इसको सफल पूर्वक लागू करने में हम सफलता प्राप्त करेंगे। और साथ साथ में सागरमाला के अधीन में भी गोवा का जनता को साथ लेकर ही हम अगले दिनों में 1,000 करोड़ का प्रोजेक्ट यहाँ हम खड़ा करने के लिए निर्णय ले चुका है। तो इस विषय पर खास करके आप सब लोगों का सहयोग चाहिए, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की जनताओं को साथ लेकर पिछले 7 साल के अंदर हिंदुस्तान को दुनिया का एक शक्तिशाली देश बनाने में सफलता प्राप्त की है। मैं आप लोगों को इतना ही कह सकता हूँ, गोवा हमारे एक बहुत हमारे लिए बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट स्टेट है और गोवा को जितना शक्ति मिलेगा इतना ही देश को भी शक्ति मिलेगा। इसलिए गोवा का डेवलपमेंट का मतलब है हिंदुस्तान का डेवलपमेंट। तो इसलिए आप लोगों ने देखा होगा परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गति शक्ति की द्वारा पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, इन योजनाओं को लागू करने के लिए देशवासियों को उन्होंने साथ देने के लिए आह्वान किया है, अपील किया है। और ये जो गति शक्ति 100 लाख करोड़ गति शक्ति, इसके जरिए अलग अलग विभाग 16 विभाग का इंटीग्रेशन होगा जनता को एम्पावर करने के लिए, देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, देश को दुनिया का सर्वोच्च राष्ट्र के हिसाब से खड़ा करने के लिए ऐसा एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इसलिए गति शक्ति के द्वारा अगले दिनों में गोवा में जो भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिक होना जरूरी है और जहां विज्ञान और टेक्नोलॉजी हमें इस्तेमाल करना जरूरी है, उसी हिसाब से अगले दिनों में गोवा में कदम उठाया जाएगा और गोवा एक निश्चित रूप से दुनिया का सबसे आकर्षणीय एक टूरिस्ट इंडस्ट्री के हिसाब से खड़ा होने जा रहा है, ये निश्चित है। गोवा में वो शक्ति प्रतियोगियों ने देख रखा है करना कि ये योजना अभी 1 साल पहले ही घोषित हुई है, अभी इनकी SOP अभी 2 महीने पहले ही बनी है, जो पहले भी उसको मिलता होगा कर्जा वगैरह वो बैंक और इनके इंडिविजुअल आधार पे मिलता था। अब मैं आपको ये बताना जा रहा हूँ कि जैसे किसान क्रेडिट कार्ड है, किसान को ट्रैक्टर लेना है वो अलग चीज़ है, किसान को अपने कुएं में कोई साधन लगाना है और उसके लिए वो लोन लेने जाता है वो अलग चीज़ है, मगर किसान को किसान क्रेडिट कार्ड 1,60,000 मिनिमम और जमीन के अनुरूप 3 लाख तक की राशि बिना कोलेटरल को पूरे देश में मिलती है। और आज किसान क्रेडिट कार्ड के आधार पर देश के किसानों को राउंड अबाउट 16 लाख करोड़ रुपये का इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट
मिल रहा है और कई राज्यों में 0% से मिल रहा है। मैं गुजरात से हूँ तो मेरे गुजरात में 0% से किसानों को 3 लाख रुपये तक की मिल रही। वो किसान क्रेडिट कार्ड की जो सुविधा जो किसानों को ही मिलती थी वो अब फिशरमैनों को और पशुपालकों को देने का निर्णय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। ये दोनों विभाग मेरे होने से इनकी SOP अब हमने बना दी है और फिनांस डिपार्टमेंट की ओर से और हमारे विभाग की ओर से जिला स्तर के और राज्य स्तर के अधिकारियों को सेंसिटाइज करने का कार्यक्रम हम चालू कर दिए हैं। इसीलिए हमने मुख्यमंत्री जी को और अधिकारियों के यहाँ के उसको बताया गया है कि आप जिला स्तर पर अधिकारियों को लीड बैंक के लोगों को सेंसिटाइज करके इन लोगों को भी ये KCC देने का कार्यक्रम हाथ पर। 20,000 करोड़ रुपये का एक प्रोग्राम मत्स्य संपदा योजना करके लागू किया हुआ है। इस योजना के लागू होने से करीबन 54,000 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट ये फिशरीज सेक्टर में आ सकता है। उसमें इनलैंड फिशरीज भी हैं, मरीन फिशरीज भी हैं, केज कल्चर भी हैं और एक्सपोर्ट प्रमोशन करने के लिए भी कई योजनाएं हैं। गोवा को लेकर गोवा की सरकार की ओर से मुझे लग रहा है मरगांव के अंदर एक मार्केट बनाने का, फिश मार्केट बनाने का प्रोजेक्ट भारत सरकार को उन्होंने हमारे सामने प्रेषित किया था। वो करीबन 48 करोड़ से ऊपर की लागत से बनने वाला है और एक मॉडल फिश मार्केट जिसको आप कह सके उस प्रकार का इनका दरखास्त था। आज आप सबके साथ शेयर करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के निर्देश पे इस योजना का हमने स्वीकृति दे दी है और उसको मंजूरी भी दे दी है। आधार पर प्रधानमंत्री जी ने किसानों के अलावा पहली बार फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री करने वाले पशुपालक और मछुआरे को KCC मिले, किसान क्रेडिट कार्ड मिले, जिसके जरिए 1,60,000 रुपया तक की राशि बिना कोलेटरल को इन लोगों को भी उपलब्ध कराने की योजना है। वो आज हमने अपने मुख्यमंत्री जी के साथ बातचीत करके सभी मछुआरे भाइयों को और सभी पशुपालकों को, लैंडलेस पशुपालकों को भी उपलब्ध हो ये योजना मोदी जी ने आज़ादी के बाद इस सेक्टर के लिए लागू किया है, उनका भी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ गोवा के मछुआरे भाई बहनों को और पशुपालन में काम करने वालों को मिले, इसके लिए भी हमने आज लोगों को अवेयर करने का काम करने का कहा है। खरोखर मायनिंग हो आमचो मूळ आधार आशिल्लो आनीक मायनिंग बंद जाल्या नंतर ज्या पोर्टाची स्थिती मातशी वायट जाली आनी सगळो ट्रेडूच बंद जालो। ताजे नंतर कोल आशिल्लो, कोलाचेय रेस्ट्रिक्शन आयली, त्यामुळे आर्थिक स्थिती मातशी हे जाल्ली आसा। परंतु कोर्स प्रयत्न करता भायर कंटेनर सर्वीस वाडोवपा खातीर जी बंद केल्ली ती कांय कारणामुळे जाल्ली आणि आम्ही असे म्हटलं की कंटेनर सर्वीस जी आसा फूड लायन दर्या जी आसा ती चालू उरतली आणि त्यामुळे हांगा क्रेडिट पिरियड जी आसा प्रॉपर आमची नादुरुस्त जाता। त्या संदर्भात दुसरे केस हाडपाचे प्रयत्न आम्ही चालू आसा आणि कंटेनर सर्वीस चालू दवरपाचे काम करतले। खंयच्या पद्दतीन या पोर्टाचो विकास जावंक जाय, आमचे कडेन जे कामगार आसात कामगारा पेक्षा रिटायर हे चड आसा, त्यामुळे आर्थिक बोजो जो आसा तो जास्त पडटा, त्यामुळे ताजे उपाय काढून व्यवस्थितपणे जर पोर्टात इन्कम आयली तर या सगळ्याचे हे बरे जातले आणि त्यामुळे आमचे प्रयत्न तसंच प्रोजेक्ट आम्ही घेतला टुरिझमच्या माध्यमातून घेतात आणि टुरिझम आणि शिपिंग हे आमी एकच आशिल्ले कारणान मातशें आमकां सोपें वतलें आणि बेगिनान बेगीन प्रोजेक्ट आमी सुरू करपाचो प्रयत्न, कारण एक टुरिझमाक टुरिस्टां खातीर मोठे आकर्षणाची भाव आसा। फ्लोटिंग जेटी बांधलेले म्हणजे वेगवेगळे आणि दृष्टीने फेरी सर्विस चालू केली पण ती मागे रोखली बंद पडली। एनिथिंग ऑन दॅट लाईन किती कंटिन्यू जावपाची इन्फ्रास्ट्रक्चर जो आसा वो पहिले आपण उभो करू द्या एक दृष्टीने झाला आणि दुसरे तरेचे सुरू करू जाय डेफिनेटली, कारण इनलाईन वॉटरवे जी आसा ती नॉन पोल्युटेड आसा, कमी खर्चाची जातली आणि त्यामुळे गोयात आम्ही पॉल्युशनही कमी करू शकतले आणि पॅसेंजरचा खर्चही कमी जातो त्या माध्यमातून।